हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आरआरबी पीओ के जो मार्क्स हैं वो आउट हो चुके हैं। यहाँ पर मेरे साथ काफ़ी लोगों ने अपने अपने नंबर शेयर किए, किसी के 10 नंबर ज़्यादा हैं कट ऑफ से, किसी के 15 नंबर ज़्यादा हैं। क्या चांसेस होंगे सिलेक्शन के, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आपको सबसे पहले यहाँ पर यूपी का दिखाना चाहूँगा स्कोर कार्ड जनरल का। आप देख सकते हैं कि 70.56 इतनी कट ऑफ यूपी की रखी गई है। आप एक बार कमेंट सेक्शन में अपने टोटल मार्क्स जरूर शेयर करें और जरूर बताएं कि आपके कट ऑफ से कितने नंबर ज़्यादा हैं। यहाँ पर ये एक यूज़र हैं, इनकी कट ऑफ जो है 70.56 यूपी स्टेट की है और मार्क्स 98.44 आए, तो लगभग 28 नंबर ये दोस्तों कट ऑफ से ज़्यादा हैं। तो ऐसी सिचुएशन में सिलेक्शन के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। लेकिन पैरेलल दो चीज़ें और भी इम्पॉर्टेंट होंगी कि आपका इंटरव्यू कैसा हुआ है। ओके, अब यहाँ पर मैंने और भी बहुत लोगों के नंबर देखे हैं, जैसे कि 70.56 कट ऑफ गई है और यहाँ पर 72 और 73 जो है मार्क्स इनके आए हैं, इंटरव्यू मॉडरेट हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन दोस्तों बिल्कुल 50-50 की सिचुएशन रहेगी। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन नंबर जब 25 से ऊपर हो जाते हैं तो वहां पर 100% चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं कि आपका सिलेक्शन बन जाएगा। अब आप यहां पर हर एक स्टेट की अलग अलग कट ऑफ देखोगे। अब जैसे अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी में अगर आप देखोगे वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा हैं, लगभग 700 से 800 के बीच में वैकेंसीज हैं। बड़ौदा यूपी जो बैंक है यहाँ पर आप देख लो लगभग 201 वैकेंसी हैं। जो आर्यव्रत बैंक है यहाँ पर 433 वैकेंसीज हैं और जो प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक है यहाँ पर 92 हैं। तो लगभग आप देख सकते हो कि 700-800 वैकेंसीज के आसपास में यहाँ पर हैं। अब इस केस में क्या होगा कि 70 कट ऑफ गई है तो लगभग 75-78-80 वाले लोगों का भी सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बनेगी। अब आप यहाँ पर एक चीज़ और भी देख लेना कि जैसे अदर स्टेट है, जैसे अगर मैं गुजरात की बात करूँ तो वहाँ पर क्या है कि पहले जो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्पॉन्सर्ड आरआरबी थी उसने वैकेंसीज घटा दी, फिर बाद में रिजल्ट आ गया, उसके बाद में उन्होंने रिपोर्ट कर दी, तो इसका भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। तो इसका बेनिफिट लोगों को मिलेगा। ओके, अब जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं तो आप ये ध्यान रखना कि आपके स्टेट में जितनी वैकेंसीज हैं उस हिसाब से ही मार्जिन होना चाहिए। वैसे मैं ये जरूर चाहूँगा कि लगभग 15-18 नंबर का अगर आप कट ऑफ से ऊपर नंबर हैं तो काफ़ी इसमें अच्छे चांसेस बनेंगे, लेकिन आपका इंटरव्यू भी मॉडरेट लेवल का कम से कम होना चाहिए। अब मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ इंटरव्यू के रोल की, अभी मैंने कुछ लोगों का फीडबैक लिया था। अब जैसे क्या है कि कोई पर्सन जो बैंक में ऑलरेडी एक जॉब कर रहा है और वो इंटरव्यू देने गया तो वहाँ पर उससे उसकी सब्जेक्ट स्ट्रीम की नॉलेज पूछी गई। जैसे किसी ने एमकॉम कर रखा है या फिर उसने जो है बीए एमए किया था तो उससे उसके सब्जेक्ट की नॉलेज पूछी गई, तो वो चीज़ें तो उसके लिए नील थी, वो उसको रिस्पॉन्स नहीं कर पाया। लेकिन अगर बैंकिंग के सॉफ्टवेयर बैंकिंग की जो बिल्कुल डीप नॉलेज होती है, अगर आपसे कॉर्पोरेट नॉलेज पूछी जाती है कि आप किस तरीके से वर्क कर रहे हो, क्या क्या चीज़ें हैं, तो वहाँ पर वो अच्छे जवाब दे सकता था क्योंकि वो प्रैक्टिकली उन सारी चीज़ों के इर्द गिर्द में था। तो इस केस में इंटरव्यू लोगों के काफ़ी जो है गड़बड़ भी हुए हैं, और ऐसा मैं सबके साथ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जिन लोगों ने मुझे बताया उनकी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। लेकिन मेरा अल्टीमेटली यहाँ पर आपको बताने का ही मतलब है कि अगर आपकी जो कट ऑफ गई है, जैसे कि कट ऑफ सपोज कर लो कि कहीं पर 80 कट ऑफ गई है, एज्यूम कर लो, तो अगर 80 कट ऑफ से लगभग 10-12 नंबर ऊपर है और आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है तो आपके दोस्तों चांसेस यहां पर बन जाएंगे। लेकिन आज के समय में यह सिचुएशन बहुत टफ होती है कि 80 नंबर लाने पर भी आपका सिलेक्शन हो जाए। कट ऑफ एग्जैक्टली मार्क्स वालों का सिलेक्शन बहुत रेयरली आज के टाइम हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो कि इन्होंने इतने पर्सन को सेलेक्ट किया है मेंस में, अब मेंस के मार्क्स यहाँ पर आए, मेंस से इंटरव्यू में लेकर गए। अब ऐसा तो नहीं कि इंटरव्यू में हर एक बंदे को ले लेंगे, अब एक एक सीट पे 3-3, 4-4 लोग हैं तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि जहाँ पर दोस्तों 40 लोग होंगे तो वहाँ पर 10 या जो है देख सकते हो 12-15 लोगों का सिलेक्शन ही होगा। तो इन सारी चीज़ों में जो आपके मार्क्स हैं इनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है, दैट इज़ वाई जो चांसेस ऑफ जो लोगों के सिलेक्शन कम होने के वो यहाँ पर बनते हैं जिनके बिल्कुल डिट्टो मार्क होते हैं, जिनकी कट ऑफ होती है। ठीक है, तो उन लोगों को मैं एश्योर करना चाहूँगा जो 12-15-18 नंबर ऊपर लेकर आए हैं और उनकी जो है इंटरव्यू ठीक ठाक हुआ है, तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आगे। लेकिन फर्दर आप इंतजार करो, रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा और आगे हम लोग पूरी चर्चा करेंगे जब रिजल्ट अनाउंस होगा। बाकी आप लोग अपने नंबर जरूर एक बार शेयर करो कि आपके टोटल मार्क्स कितने यहाँ पर बन रहे हैं और आगे के जो भी एग्जाम्स हैं उन वो कौन से आने वाले हैं, उसके लिए भी आपको सारे अपडेट मिलते रहेंगे। देखो पेपर तो ऑलमोस्ट पूरे साल होंगे तो बेटर है कि अपनी तैयारी करते रहो, और आप लोग ऑलरेडी स्केल्ड ये फाइनल सिलेक्शन तक पहुँचे हो
ऑफिस स्किल बन में, तो कहीं ना कहीं पर आपने अच्छी तैयारी कर रखी होगी, तो और भी अच्छे मार्क्स लाने के लिए लगातार अपना प्रयास करो और अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल भी मत छोड़ना। और बैंकिंग के जितने भी मॉक टेस्ट हैं, अभी आप प्रैक्टिस मॉक को फॉलो कर सकते हैं, इनके मॉक टेस्ट काफ़ी अप टू डेटेड हैं और लगभग एक साल का आपको 799 में इनका पैक मिल जा रहा है, तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। और इसका लिंक मैं आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप लोग इन सारी चीज़ों को फ्री मॉक के साथ में एक्सेस कर लें। आगे हम फिर मिलेंगे, अपने मार्क जरूर शेयर करना। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।